हाँ तुमने पढ़ने थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड मॉडल कितने थोड़े स्कूल क्यों आए हैं आज या सोना। इसके ऑब्जेक्टिव में डिफरेंशिएट थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड मॉडल डिस्कस द यूज ऑफ थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड मॉडल इन रिसर्च एंड वेयर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बेस्ट सूट फॉर पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी। थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ए ब्लू प्रिंट ऑफ द हाउस। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो नक्शा होता है, जैसे घर का एक नक्शा होता है ना, इसी तरह से रिसर्च स्टडी के नक्शा होता है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है। थ्योरी क्या होती है? थ्योरीज आर कंस्ट्रक्टेड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन प्रिडिक्ट एंड मास्टर फिनोमिना रिलेशनशिप इवेंट और बिहेवियर। इन मैनी इंस्टेंसेज वी आर कंस्ट्रक्टिंग मॉडल्स ऑफ रियलिटी। तो थ्योरी प्रिडिक्ट करती है और एक्सप्लेन करती है फिनोमिना को, उनके रिलेशनशिप को, इवेंट्स को और बिहेवियर को। ए थ्योरी मेक्स जनरलाइजेशन अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड कंसिस्ट ऑफ एन इंटर रिलेटेड कोहेरेंट सेट ऑफ आइडियाज एंड मॉडल। थ्योरी जो है वो जनरलाइजेशन है अबाउट ऑब्जर्वेशन और इंटरकनेक्टेड आइडियाज और मॉडल। ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज एनालॉगस टू द फ्रेम ऑफ द हाउस। सिमिलर एनालॉगस मतलब सिमिलर है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क सिमिलर है फ्रेम ऑफ द हाउस। जितना घर का एक नक्शा होता है फ्रेम होता है उससे, उसकी तरह ही थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो हम कंसीडर करेंगे। जस्ट एज द फाउंडेशंस फॉर द हाउस ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड अ रैशनल फॉर प्रेडिक्शन अबाउट द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स ऑफ अ रिसर्च स्टडी। जिस तरह से घर का एक नक्शा घर को सपोर्ट करता है, घर की बुनियाद घर को सपोर्ट करती है, इसी तरह से थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट करता है और रिसर्च स्टडी की फाउंडेशन फ्राहम करता है। थ्योरीज आर जनरेटेड बाय यूजिंग इंडक्टिव प्रोसेस। इंडक्टिव होता है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। तो थ्योरी जनरेट की जाती है बाय यूजिंग स्पेसिफिक टू जनरल प्रोसेस, इंडक्टिव प्रोसेसेस टू कहते हैं। ए डिडक्टिव अप्रोच इज यूज्ड टू इवैल्यूएट एंड मॉडिफाई एक्जिस्टिंग थ्योरी बाय टेस्टिंग प्रिडिक्शन अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्व्ड फिनोमेना। डिडक्टिव अप्रोच यूज की जाती है इवैल्यूएट करने के लिए और टेस्ट करने के लिए फिनोमिना को, जबकि थ्योरी जनरेट की जाती है बाय यूजिंग इंडक्टिव प्रोसेस। जनरेट थ्योरी की जाती है इंडक्टिव प्रोसेस यूज करके और एवेलुएट और टेस्ट की जाती है यूजिंग डिडक्टिव अप्रोच। और डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है? फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट फॉर एग्जामिनिंग अ प्रॉब्लम। थ्योरेटिकल रैशनल फॉर डेवलपिंग हाइपोथेसिस, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस और बेस फॉर ऑब्जर्वेशन, डेफिनेशन कॉन्सेप्ट्स, रिसर्च डिजाइन, इंटरप्रिटेशंस एंड जनरलाइजेशन। सर्व एज अ गाइड टू सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई लॉजिकल प्रिसाइजली डिफाइंड रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या करते हैं? हाइपोथेसिस को डेवलप करने में हेल्प करता है, इसके अलावा बेस प्रोवाइड करता है डिफरेंट कॉन्सेप्ट की, उसकी जनरलाइजेशन की और उसकी इंटरप्रिटेशन की, और डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करता है। यहाँ तक जो पढ़ा है वो क्लियर है सबको?
हाँ, जितने थोड़े स्टूडेंट्स को आए हैं, बाकी किधर है। स्टार्ट में मैंने बताया था कि थ्योरी जो है वो जिस तरह घर का नक्शा होता है, इस तरह से थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रिसर्च का ब्लूप्रिंट है, फाउंडेशन प्रदान करता है रिसर्च स्टडी को। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दी यूज़ का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एज अ गाइड इन रिसर्च स्टडी। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गाइडिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिसर्च स्टडी। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंटायर रिसर्च स्टडी को गाइड करने में। थ्योरीज आर कंस्ट्रक्टेड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड मास्टर फिनोमिना, फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप डिपेंड ऑन बिहेवियर। इन मैनी इंस्टेंस वी आर कंस्ट्रक्टिंग मॉडल्स ऑफ रियलिटी। तो थ्योरी, आप पहले भी थ्योरीज का पूरा पढ़ चुके हो सब्जेक्ट। थ्योरीज क्या होती हैं, एक्सप्लेन प्रिडिक्ट करती हैं किसी भी फिनोमिना को, रिलेशनशिप को या फिर इवेंट को। ए थ्योरी मेक जनरलाइजेशन अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड कंसिस्ट ऑफ एन इंटररिलेटेड कोहेरेंट सेट ऑफ आइडियाज एंड मॉडल्स। और जनरलाइजेशन करती हैं ऑब्जर्वेशन को, इंटररिलेटेड आइडियाज को और मॉडल्स को। The use of a theoretical framework as a guide in research study. If the framework is logically sound and sustained by previous research studies, there is a strong possibility that the prediction or hypothesis evolving from that framework will be supported. In some cases, a theoretical rationale is an appropriate use, and for example, a study is designed to explain a particular behavior in infants may not be appropriate for the study for those behavior in adults. अगर तो थ्योरी हाइपोथेसिस को स्ट्रॉन्गली जो है वो सपोर्ट कर रही है तो फ्रेमवर्क सपोर्टेड होगा, नहीं तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लगाते हैं के पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो इन्फेंट में चेक कर रहे हैं, और उसमें हमने एडल्ट वाली थ्योरी लगा दी है तो वो इनअप्रोप्रिएट होगी क्योंकि बिहेवियर इन्फेंट का डिफरेंट होता है, उसके लिए अलग थ्योरी होगी और अडल्ट का बिहेवियर चेक करने के लिए अलग थ्योरी होगी। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को बनाने का मकसद क्या, पर्पस क्या है? इट हेल्प्स द रिसर्चर सी क्लियरली द वेरिएबल ऑफ द स्टडी।
रिसर्चर को हेल्प करती है कि वेरिएबल क्लियरली देखे जाए स्टडी के अंदर कौन से हैं। इट कैन प्रोवाइड हिम विद अ जनरल फ्रेमवर्क फॉर डाटा एनालिसिस, और ये डाटा एनालिसिस के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। इट इज एसेंशियल इन प्रिपेयरिंग अ रिसर्च प्रपोजल यूजिंग डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो ये रिसर्च प्रपोजल बनाने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो या फिर एक्सपेरिमेंटल। आज भी मैं आपको टाइम मिला तो प्रपोजल का आगे थोड़ा सा बताऊंगी, इसमें बताऊंगी कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी लिखते हैं, ठीक है। नहीं आप लोग लाइक नहीं कर सकते, दोनों लिस्ट वहाँ पे स्लैम में पड़ी हुई है, आपने टॉपिक सिलेक्ट करने से पहले देखना है कि उन दोनों लिस्ट में कोई वो वाला टॉपिक तो नहीं है जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, आपके टॉपिक उनसे डिफरेंट होने चाहिए। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज यूज्ड इन रिसर्च टू आउटलाइन पॉसिबल कोर्सेस ऑफ एक्शन और टू प्रेजेंट अ प्रेफर्ड अप्रोच फॉर एन आइडिया और थॉट। तो रिसर्च में पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन को देखने के लिए हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज करते हैं, या फिर कौन सा आइडिया और थॉट हम यूज कर रहे हैं रिसर्च स्टडी में वो जानने के लिए हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को यूज करते हैं। जो लिस्ट में टॉपिक दिए गए हैं आपने उनमें से कोई टॉपिक सिलेक्ट नहीं करना, आपने मैनेजमेंट का, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये तीन एरियाज हैं, इनमें से आप कोई भी टॉपिक जो इनसे रिलेटेड हो वो चूज कर सकते हो, लेकिन आपने लिस्ट वाले टॉपिक सिलेक्ट नहीं करने। जो वहाँ पे लिस्ट में टॉपिक दिए हुए हैं वो पहले आपने चेक कर लेने हैं, आपका टॉपिक उन दोनों लिस्ट में नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, नया ही नहीं, ठीक है। हाउ टू डिवेल्प अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, बनाते कहते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं कंसेप्ट को। एक कंसेप्ट इज एन इमेज और सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ पेन इंटेलिजेंस। सबसे पहले कंसेप्ट को सिलेक्ट करेंगे जो कि आपके फॉर एग्जाम्पल नॉलेज एटीट्यूड और प्रैक्टिस हो जाएगा। देन आइडेंटिफाई दी इंटर रिलेशनशिप अमंग कंसेप्ट, जो उन कंसेप्ट के दरमियान इंटर रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो फॉर्मुलेट हो जाता है।
फॉर्मूलेशन डेफिनेशन तो 12 का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दैट कैन जनरेट एंड टेस्ट हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। इसकी दो डेफिनेशन होंगी, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन और ऑपरेशनल। कॉन्सेप्चुअल कन्वेज दी जनरल मीनिंग ऑफ दी कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप दिखते हैं कि कोई डेफिनेशन दिखोगे तो वो होगी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन जो कि जनरल मीनिंग दे रही होगी। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या करेगी, एड अनदर डायमेंशन टू कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन बाय डिलिनेटिंग दी प्रोसीजर और ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू मेजर दी कॉन्सेप्ट। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन में आपने बताना है कि आपके वेरिएबल्स हैं वो किस तरह से मेजर किए जाएंगे, तो ये एक अनदर डायमेंशन देगी जो कि आपके प्रोसीजर और ऑपरेशन को बताएगी कि आप किस तरह से अपने वेरिएबल्स को मेजर कर रहे हैं। Some concepts are easily defined in operational terms, for example, pulse, and other concepts are more difficult to define operationally, for example, focus. So, pulse को आपने suppose pulse अगर एक variable है तो उसकी operational definition easy होगी as compared to focus, क्योंकि pulse को measure करना आप easily बता सकते हो। operational definition होती क्या है कि आप अपने वेरिएबल्स को किस तरह से मेजर करोगे, उसको कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। तो पल्स को मेजर करना इजी है एज कम्पेयर टू कॉपिंग को मेजर करना, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। Formulating the theoretical rationale. For the literature review, through the literature review, an investigator becomes aware of or confirm identified theoretical connection between variables. So literature review के through investigator जो है वो identify कर लेता है connection between variables, theoretical connection. के theoretical theory की base पे कौन सा connection पाया जाता है between variables में, वो कंफर्म कर लेता है लिटरेचर रिव्यू की हेल्प से। इन एवलुएटिंग द फॉर्मूलेशन ऑफ थ्योरेटिकल रैशनल द इंटरनल स्ट्रक्चर सच एज कॉन्सेप्ट एंड देयर डेफिनेशंस शुड हैव क्लैरिटी एंड कंटिन्यूटी एंड द अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग फिनोमेना वेदर इंडक्टिव और डिडक्टिव शुड बी लॉजिकल। थ्योरेटिकल रैशनल जो है वो क्या करता है, डेफिनेशन को सपोर्ट करेगा, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए और वो फिनोमिना को अंडरस्टैंड कराने में हेल्प करेगा। वेदर इंडक्टिव और डिडक्टिव शुड बी लॉजिकल, उसको हम एवेलुएट इन बेसिस पे करेंगे, ठीक है। वो लॉजिकल होना चाहिए और जो फिनोमिना को अंडरस्टैंड कराने की अप्रोच होनी चाहिए उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो इन सारी बेसिस के ऊपर हम एवेलुएट करेंगे थ्योरेटिकल रैशनल, या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कह दो आप। अभी तक जो पढ़ा वो क्लियर है? ओके, अब हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ थ्योरी एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। थ्योरीज में डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर फिनोमिना, या थ्योरी पर्टिकुलर फिनोमिना को डिस्क्राइब करती है या फिर एक्सप्लेन करती है रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग फिनोमिना,
या फिर प्रिडिक्ट करती है हाउ वन फिनोमिना अफेक्ट अदर, तो इस हिसाब से तीन टाइप हो जाती है, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, एक्सप्लेनेटरी थ्योरी एंड प्रिडिक्टिव थ्योरी। डिस्क्राइब ठीक है, तो डिस्क्राइब करती है फिनोमिना को, एक्सप्लेन करती है फिनोमिना को और प्रिडिक्ट करती है फिनोमिना को। सबको वीडियो नजर आ रही है ना? ओके, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी क्या करती है? डिस्क्राइब और क्लासिफाई स्पेसिफिक डायमेंशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप सिचुएशन और इवेंट्स बाय समराइजिंग दी कॉमनैलिटीज फाउंड इन डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन। डिस्क्रिप्टिव क्या करेंगी? इंडिविजुअल ग्रुप और सिचुएशन को डिस्क्राइब करेंगी, उनमें जो कॉमन चीजें पाई जाती है उनको समराइज करेंगी, सिचुएशन को, ग्रुप को, इंडिविजुअल को। टू टेस्ट डिस्क्रिप्टिव थ्योरी रिसर्च कंडक्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्चर कंडक्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी। ठीक है, मैं अभी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रिपीट करती हूँ, मैंने ये सिर्फ टाइप्स पढ़ लिए आप। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए जो रिसर्चर है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कंडक्ट करते हैं। एक्सप्लेनेटरी थ्योरी क्या होती है? स्पेसिफिक स्पेसिफाई रिलेशन अमंग दी डायमेंशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप सिचुएशन और इवेंट्स। ठीक है, ये स्पेसिफिक रिलेशन देखती है इंडिविजुअल ग्रुप और सिचुएशन का। और एक्सप्लेनेटरी थ्योरी आर टेस्टेड बाय यूजिंग कोरिलेशन रिसर्च, और ये जो है ये कोरिलेशन रिसर्च अभी हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, डिफरेंट रिसर्च की टाइप, उसमें आप पढ़ेंगे कि कोरिलेशन रिसर्च क्या होता है और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है। अभी बस इतना याद कर लें कि एक्सप्लेनेटरी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए हम कोरिलेशन रिसर्च जो है वो कंडक्ट करते हैं। थर्ड इसकी टाइप है प्रिडिक्टिव थ्योरी। तो प्रिडिक्टिव जैसे नाम ही बता रहा है कि प्रिडिक्ट करेगी, पेशेंगोई करेगी। आर इंटेंडेड टू प्रिडिक्ट प्रिसाइज रिलेशनशिप बिटवीन दी डायमेंशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिनोमिना और डिफरेंस बिटवीन ग्रुप। तो प्रिडिक्टिव थ्योरी क्या करती है? प्रिडिक्ट करती है रिलेशन फॉर डिफरेंट फिनोमिना को बिटवीन ग्रुप में। प्रेडिक्टिव थ्योरीज आर टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। और हम प्रेडिक्टिव थ्योरी को टेस्ट कैसे करते हैं? एक्सपेरिमेंटल या फिर क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। अभी हमने तीन टाइप्स पढ़ी हैं थ्योरी की, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी और प्रिडिक्टिव। डिस्क्रिप्टिव में वो जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल ग्रुप और सिचुएशन के जो है वो डिस्क्राइब करेगा, और इसको टेस्ट करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी करेंगे। एक्सप्लेनेटरी में वो डायमेंशन को, स्पेसिफिक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करेगा सिचुएशन और ग्रुप के, और इसको टेस्ट करने के लिए हम कोरिलेशन रिसर्च करते हैं। प्रिडिक्टिव थ्योरी में प्रिडिक्ट करेगा रिलेशनशिप को, और इसको टेस्ट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल या फिर कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी करते हैं। ठीक है, हाउ टू डेवलप, मैं रिपीट कर देती हूँ। इसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपके वेरिएबल्स होंगे स्कोर, नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस रिगार्डिंग हैंड हाइजीन। तो इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से होंगे? हैंड हाइजीन होगा, नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस होगा। तो
पहले तो हम कॉन्सेप्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसका आपस में रिलेशनशिप बता देंगे। तो इस तरह से फॉर्मुलेट हो जाता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हम दो डेफिनेशन देते हैं, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन और ऑपरेशनल डेफिनेशन। अब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक डिफरेंट चीज है और कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन जो है वो एक डिफरेंट चीज है। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में हम जस्ट अपने कॉन्सेप्ट को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनका आपस में रिलेशनशिप बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ये नॉलेज होगी तभी एटीट्यूड बदलेगा, एटीट्यूड बदलेगा तो प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, ये उनका आपस में एक रिलेशनशिप हो गया जो कि हो गया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन में क्या करते हैं, कोई भी डिक्शनरी की डेफिनेशन दे देंगे। जैसे नॉलेज की कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन होगी एक्ट ऑफ नोइंग समथिंग, और ऑपरेशनल में बताते हैं कि हमने अपने वेरिएबल्स को मेजर किस तरह से करना है। अब हम नॉलेज को कैसे मेजर करेंगे अपने वेरिएबल को, जो नॉलेज है वो एक वेरिएबल है, उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होगी। रिस्पोंडेंट वे ऑफ थिंकिंग, हम वो किस तरह से हमारे जो पार्टिसिपेंट है, जो हमारे रिस्पोंडेंट है, वो कैसे सोचते हैं, वो हो जाएगी। हम उसको ऐसा मैयर करेंगे नॉलेज को ऑपरेशनल में इस तरह से। ठीक है, वेयर हुई है बहुत सारी चीजें। अब नेक्स्ट है थ्योरी कंस्ट्रक्शन। थ्योरी को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, इन दी फर्स्ट स्टेप द एम्फेसिस ऑन कॉन्सेप्ट, इन दी सेकंड स्टेप द एम्फेसिस ऑन दी प्रोपोजिशन, एंड इन दी थर्ड स्टेप दी प्रोपोजिशन आर रिलेटेड टू वन अनदर। पहले में हम कंसेप्ट को डिवेल्प करते हैं, सेकंड स्टेप में प्रोपोजिशन को, और थर्ड में प्रोपोजिशन का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं वन अनदर एक दूसरे के साथ। The level of theory are, जो level है वो ये है, factor isolating theory, what is this, factor relating theory, what is happening here, situation relating theme, what will happen if, situation producing theme, how can I make X happen। तो ये इसके different level है theory के। ये क्या है, ये क्या क्या हो रहा है, ये कब होगा, और how can, कैसे मैं X को happen कराऊँ। Factor isolating theory is the first or lowest level of theory conception, but more also the most basic. It is the descriptive or concept naming theory of focusing on identification and classification of concepts. So factor isolating theory जो है वो theory conception में सबसे पहला step है। ये focus करता है identification और classification of concepts को। में सिर्फ हम फैक्टर आइसोलेटिंग थ्योरी में आइडेंटिफाई करेंगे और क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट को। फैक्टर रिलेटिंग थ्योरी इज द सेकंड लेवल ऑफ द थ्योरी, इट रिलेट्स नेम कॉन्सेप्ट वन अनदर। पहले में हम कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, दूसरे में हम एक दूसरे के साथ कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे। सिचुएशन रिलेटिंग थ्योरी
In the third level of theory, it explains the interrelationship among concept of proposition. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट और प्रोपोजिशन का आपस में रिलेशनशिप बताएगा. फोर्थ लेवल सिचुएशन प्रोड्यूसिंग थ्योरी इज द फोर्थ लेवल ऑफ थ्योरी प्रिस्क्राइब द एक्टिविटीज नेसेसरी टू रीच गोल. ये वही स्टेप है जो यहाँ बताए गए थे. फैक्टर आइसोलेटिंग थ्योरी व्हाट इज दिस, मतलब इसमें हम सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे कॉन्सेप्ट्स को. फैक्टर रिलेटिंग थ्योरी में व्हाट इज हैपनिंग हियर, इसमें हम उनका आपस में रिलेशनशिप देखेंगे. सिचुएशन रिलेटिंग थ्योरी व्हाट विल हैपन इफ, इसमें क्या करेंगे प्रोपोजिशन के साथ उसका कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे. और सिचुएशन प्रोड्यूसिंग थीम्स में क्या करेंगे फाइनल देखेंगे कि गोल तक किस तरह से पहुंचना है, कौन सी एक्टिविटीज है वो जरूरी है.
Okay, contribution of nursing theory of framework to research. When developing a theoretical framework for nursing research studies, knowledge is required through discipline other than nursing and borrowed for the purpose of answering nursing questions, identifying and asking questions about phenomena that are unique to nursing. जब हम theoretical framework बनाते हैं तो knowledge हमेशा ही होती है वो nursing से other than दूसरी field से है वहाँ से हम बोरो कर लेते हैं और अपने नर्सिंग क्वेश्चन को आंसर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं हम और क्वेश्चन पूछते हैं जो कि यूनिक है नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड, तो उनके आंसर के लिए हम क्या करते हैं नॉलेज को बोरो कर लेते हैं दूसरे डिसिप्लिन से। थ्योरी यूनिक टू नर्सिंग हेल्प नर्सिंग डिफाइन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डिसिप्लिन, और कुछ थ्योरी जो है वो नर्सिंग फील्ड की यूनिक है, कुछ जो है हम दूसरे डिसिप्लिन से बोरो कर लेते हैं अपने रिसर्च स्टडी में डालने के लिए, जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी है ये नर्सिंग की स्पेसिफिक थ्योरी है, और बाकी जैसे हेल्थ बिलीफ मॉडल हो गया ये दूसरे डिसिप्लिन से हम बोरो कर लेते हैं, तो जैसे हमारी रिसर्च स्टडी होगी उसमें कौन सा मॉडल या थ्योरी सुइटेबल होगी हम वो लगाते हैं, चाहे वो नर्सिंग से रिलेटेड हो या फिर हमें दूसरी फील्ड से बोरो करना पड़े तो हम अपने आंसर देने के लिए दूसरी फील्ड से भी बोरो कर लेते हैं नॉलेज को। ठीक है, सेंट्रल फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट टू नर्सिंग आर पर्सन एनवायरनमेंट हेल्थ एंड नर्सिंग, जो सेंट्रल फिनोमेना है वो पर्सन एनवायरनमेंट हेल्थ और नर्सिंग। Theories are the ideas and knowledge of science. As a researcher develops a plan for conducting a quantitative study, the theory on which the study is based is expressed as the framework for the study. So, quantitative study में हम जो है वो theoretical framework लगाते हैं और वो उसको based as a study पूरी based कर रही होती है वो theoretical framework के ऊपर. A study framework is a brief explanation of a theory. And those portion of our theory that are to be tested in a study. Study framework क्या होता है? यहाँ तो theory की explanation होती है या फिर वो portion of the theory का जिसको हम study में test कर रहे होते हैं। Framework. The major ideas of study or concept are included in the framework. Major जो studies के concepts हैं जो ideas हैं उनको हम framework कहते हैं, framework में included होते हैं। The framework with the concepts and their connection to each other may be described in words or in diagrams. So, यहाँ तो हम उन concepts को diagram की form में लिखते हैं या फिर words में describe करते हैं. When the study is conducted, the researcher can then answer the question, was this theory correct in its description of reality? ठीक है. Does the study test the accuracy of theoretical ideas proposed in the theory? In explaining the study findings, the researcher will interpret those findings in relation to the theory. तो इसमें क्या करते हैं theoretical idea को जो है वो check किया जाता है और वो test किया जाता है अपनी study में. Quantitative study में ये पिछली slide repeat कर रही हूँ. Theory को explain किया जाता है यहाँ पे theory को उससे पूरी theory नहीं लेकिन थोड़ा सा part जो जिसको test करना हो वो बताया जाता है. पहले क्वांटिटेटिव की बात हो रही थी अब क्वालिटेटिव की बात हो रही है. क्वालिटेटिव स्टडी में भी बेस्ड होना थ्योरी और में भी डिजाइन टू क्रिएट अ थ्योरी. क्वालिटेटिव भी थ्योरी के ऊपर बेस्ड करती है या फिर थ्योरी को क्रिएट किया जाता है क्वालिटेटिव स्टडी में. ए थ्योरी होती क्या है? थ्योरी इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड स्टेटमेंट दैट प्रेजेंट अ व्यू ऑफ अ फिनोमिना. थ्योरी किसी भी फिनोमिना के कॉन्सेप्ट को जो है वो प्रेजेंट कर रही होती है. कोई भी कॉन्सेप्ट किसी फिनोमिना का जब प्रेजेंट किया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? थ्योरी कहेंगे. कॉन्सेप्ट क्या है? आर टर्म दैट एब्स्ट्रैक्टली डिस्क्राइब नेम एंड ऑब्जेक्ट आइडिया एक्सपीरियंस फिनोमिना दस प्रोवाइडिंग इट विद अ सेपरेट आइडेंटिटी और मीनिंग. और कॉन्सेप्ट होते क्या है? ये नेम है किसी भी ऑब्जेक्ट का, आइडिया का, एक्सपीरियंस और फिनोमिना का. इसको हम कॉन्सेप्ट कहेंगे और जो कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेगी उसको हम थ्योरी कहेंगे.
ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इन अ थ्योरी डिस्क्राइब हाउ द कॉन्सेप्ट्स आर कनेक्टेड। स्टेटमेंट थ्योरी में वो चीज है जो बताती है कि कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है। इसमें थ्योरीज आर एब्स्ट्रैक्ट रदर देन कंक्रीट। एब्स्ट्रैक्ट कौन सी होती है और कंक्रीट थ्योरीज कौन सी होती है? एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया फोकस ऑन अ जनरल व्यू ऑफ अ फिनोमेना और कंक्रीट रेफर टू रियलिटी और एक्चुअल इंस्टेंसेस इट फोकस ऑन पर्टिकुलर रदर देन जनरल। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया वो जनरल आइडिया को फोकस करेगा और जो कंक्रीट है वो स्पेसिफिक को करेगा, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को फोकस करेगा रदर देन ऑन जनरल। ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बताया गया। कॉन्सेप्ट क्या है? सोशल सपोर्ट। वेरिएबल क्या है? परसीव्ड फैमिली सोशल सपोर्ट। और ऊपर कंस्ट्रक्ट क्या है? रिसोर्सेज। तो इस तरह से आप अपना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिजाइन करते हो। इनका आपस में रिलेशनशिप बताया गया एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट का। एब्स्ट्रैक्ट बताया गया जनरल और कंक्रीट बताया गया स्पेसिफिक। रिसोर्सेज जनरल है ना, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और कितने सारे दूसरे रिसोर्सेज आ गए। ये स्पेसिफिक नहीं किया गया कौन सा रिसोर्सेज है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया। और परसीव फैमिली सोशल सपोर्ट है, ये स्पेसिफिक हो गया, तो ये हो गया कंक्रीट। तो हमने स्टेटमेंट में पीछे दो चीजें पढ़ी थी, एब्स्ट्रैक्ट की और कंक्रीट। कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन क्या होती है? कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन इज रेफर्ड टू एज अ क्वांटिटेटिव बिकॉज द टर्म ब्रिंग्स टू माइंड मेमोरीज मूड्स और इमेजेस सबटल और इनडायरेक्टली सबली और इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल अ कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ अ होम माइट इंक्लूड फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी लव एंड कम्फर्ट विच ओपन आर एसोसिएटेड विद अ होम वेयर द डिक्शनरी डेफिनेशन इज नैरो एंड मोर स्पेसिफिक। Home is a dwelling in which a group of people who may or may not be related live. Connotative होता है जो ऐसे वर्ड जिनको देख के आपके अंदर की फीलिंग्स है वो सामने आए। जैसे होम का वर्ड जब आप सुनेंगे तो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी होगा, लव एंड कम्फर्ट आपके माइंड में आएगी। तो इस तरह से कंसेप्चुअल डेफिनेशन को रेफर किया जाता है एज connotative। जैसे कि ये बताया गया कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन एंजाइटी एंड्यूरिंग पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक रिफ्लेक्टेड इन फरी डेग एंड इट्स प्लेयर एक्सपीरियंस ओवर टाइम। तो ये इसकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है। और ऑपरेशनल था कि एंगल को मैयर कैसे करना है, तो उसने कहा ट्रेट एंगल सब स्केल ऑब्जेक्ट ऑफ पीडियाट्रिक ट्रेट एंगल स्केल। तो इसका ये स्केल है PPS, उससे इसको मैयर करेगा। तो कंसेप्चुअल में उसकी डेफिनेशन बता दी जाती है और ऑपरेशनल में बताया जाता है कि उसको मैयर कैसे करना है। ओके, ये लास्ट स्लाइड है। रिलेशन स्टेटमेंट क्लेरिफाई द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन और अमंग कंसेप्ट। In theory of opposition, relational statement can be expressed at various levels of abstraction. So, relational relationship between different concepts. बस आज का लेक्चर यही था। कोई क्वेश्चन है तो बेस करती है या उसे हम थ्योरी को जनरेट करते हैं क्वालिटेटिव से, और वो भी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करती है। ठीक है, और क्वांटिटेटिव जो है वो भी
उसमें भी हम थ्योरी को टेस्ट उसमें हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव में थ्योरी को टेस्ट करते हैं, क्वालिटेटिव में थ्योरी को जनरेट करते हैं। आपने अब अपने टॉपिक सिलेक्ट कर लेने हैं तो कल की क्लास में मुझे 2 से 3 बजे क्लास होनी है, 11 से 12 मेरी क्लास नहीं है जिसमें उसमें मैंने आपसे आपके टॉपिक पूछने हैं। ग्रुप वही है जो आपके थर्ड ईयर में चल रहे थे, उन्हीं ग्रुप्स को रहने दिए मैंने, नए वाले ग्रुप्स नहीं है, तो अब आपने काम करना शुरू कर देना।